दोस्तों, क्या आपने कोई मिल गया फिल्म देखी है जिसमें ऋतिक रोशन को जादू नाम का एक एलियन मिल जाता है? या फिर क्या आपने दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म अवतार को देखा है जिसमें दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीवों को दिखाया गया है? यकीनन आप में से हर किसी ने इस फिल्म को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा कि इन फिल्मों में एलियन के जिस चेहरे को दिखाया जाता है, क्या वास्तव में एलियन वैसा ही दिखाई देता है? दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल का जवाब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि एलियन आखिर होता क्या है, एलियन आखिर नाम किस चीज का है। दोस्तों, आपको बता दे, जिस तरह हम पृथ्वी पर रहने वाले हमारे जैसे जीवों को हमने मानव का नाम दिया है, ठीक उसी तरह हम मानव दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीवों को एलियन नाम से पुकारते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के अलावा अगर हमें किसी भी दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीव के बारे में पता चलता है तो हम लोग उसे एलियन कहकर ही पुकारेंगे। हिंदी में आप इस शब्द को परग्रही नाम से पुकार सकते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे किसी ग्रह पर रहते हैं। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब इंसान अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखते थे तो उन्हें लगता था आसमान कोई दीवार है। उन्हें पता नहीं था कि नीले रंग का जो आसमान उन्हें दिखाई देता है ये कोई दीवार नहीं बल्कि अनंत आकाश है, जहां पर पृथ्वी जैसे एक या फिर दो नहीं बल्कि करोड़ों अरबों की संख्या में ग्रह मौजूद हैं, जहां पर सूर्य जैसे असंख्य तारे मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इंसानों के दिमाग का विकास हुआ और हमें ये पता चला कि हमारा आकाश कोई दीवार नहीं बल्कि खुला समंदर है, तभी से हमारे दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे जीवन कहीं और भी पनप रहा या नहीं? क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह या फिर उपग्रह है कि नहीं जहां पर इंसान जैसे जीव का विकास हो रहा हो? और अगर ऐसा है तो फिर उनका चेहरा कैसे दिखाई देता होगा? उनका शरीर कैसा होता होगा? क्या उनके भी दो हाथ और दो पैर होते हैं? क्या उनकी भी आंखें होती है? क्या वो भी हमारी तरह चीजों को चबाकर खाते हैं? दोस्तों, हमारा पृथ्वी जिस सूर्य नाम के तारे के चक्कर लगा रहा है उस पूरे एरिया को सौरमंडल कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है उसमें एक या दो नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में तारे और उनके सौरमंडल मौजूद हैं। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों नहीं बल्कि असंख्य आकाश गंगाएं मौजूद हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि असंख्य आकाश गंगा और हर एक आकाश गंगा में करोड़ों अरबों की संख्या में सौरमंडल और हर सौरमंडल में न जाने कितने संख्या में ग्रह और उपग्रह मौजूद होंगे, और उनमें से हमारा पृथ्वी महज समुद्र के किनारे फैले हुए रेत के कण से भी छोटा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे इतने ग्रह हैं जिसकी गिनती करना असंभव है। ऐसे में अगर हम मान लें कि हमारे ब्रह्मांड में 0.1% ग्रह भी जीवन में मौजूद है तो उसकी संख्या इतनी हो जाएगी कि उसको गिन पाना संभव ही नहीं। इसका साफ मतलब होता है कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन मौजूद है। बस हमारा ब्रह्मांड इतना विशालकाय है, वहां पर हमारे पृथ्वी के किसी भाई को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अब एक बात तो साफ है कि पृथ्वी जैसे जीवन दायनी ग्रह बहुत सारे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वहां पर रहने वाले जीवों का रंग रूप कैसा होगा? फिल्मों में तो हम कल्पना करके एलियन के शक्ल को दिखा देते हैं, जिसमें एलियन की बड़ी बड़ी आंखें होती है, तेज दिमाग होता है, छोटा शरीर होता है और भी तरह तरह का रंग रूप। लेकिन वास्तव में एलियन कैसे दिखते होंगे? तो दोस्तों, आपको बता दे, एलियन की शक्ल और शरीर कैसा होगा ये उस ग्रह के वातावरण पर निर्भर करता है। दोस्तों, पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसानों की औसत लंबाई जो है वो है 5 से लेकर 6 फीट तक की। लेकिन अगर हम इंसान पृथ्वी के बजाय चांद पर रहते तो हमारी औसत लंबाई 25 से 30 फीट तक की हो जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके मुकाबले चांद का गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना कम है। तो मानकर चलते हैं कि एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीव रहते हैं, लेकिन वो सूर्य से इतना दूर है कि वहां पर रोशनी बहुत कम पहुंचती है। वहां पर 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रहता है और रोशनी की मात्रा इतनी कम होती है कि हम इंसानों के लिए वहां पर देख पाना लगभग असंभव होता है। ऐसी स्थिति में जो भी एलियन वहां पर रहते होंगे उनकी आंखें बहुत बड़ी होती होंगी, क्योंकि किसी भी जगह पर रहने वाले जीव अपने आप को वहां के वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं और अंधेरे ग्रह पर रहने वाले एलियन अपनी आंखों को इतना बड़ा कर लेते होंगे कि वो अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख पाते होंगे। हम मानकर चलिए कि एक ग्रह और ऐसा है जहां पर एलियन रहते हैं, लेकिन वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। अगर उस ग्रह पर हम इंसानों को छोड़ दिया जाए तो हम इंसान महज कुछ सेकंड के भीतर ही प्राण त्याग देंगे।
लेकिन उस ग्रह पर रहने वाले एलियन अपने आप को वहाँ के हिसाब से ढाल चुके होंगे। उनका शरीर 5 फुट या फिर 10 फुट लंबा नहीं बल्कि बहुत चपटा सा होगा। उनके शरीर में मौजूद हड्डियाँ स्टील से भी कई गुना मजबूत होंगी और उनके शरीर का वजन हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जीव से बहुत अधिक होगा। वहाँ पर मौजूद पेड़ पौधे भी हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे जितने लंबे नहीं हो पाएंगे। वहाँ के पेड़ों में फल लटक नहीं पाएंगे बल्कि वहाँ पर सिर्फ उसी तरह के पौधे होंगे जो उस ग्रह की धरातल पर रह सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि तरबूज और कद्दू जैसे बड़े आकार के फल और सब्जियों को पैदा करने वाले पेड़ ऊपर की तरफ नहीं जा पाते बल्कि वो किसी भी धरातल पर लतर की तरह फैल जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसी ग्रह मिली है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 10 गुना कम है और वहाँ पर एलियन जैसे जीव रहते हैं, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जगह पर रहने वाले एलियन के शरीर की लंबाई हम इंसानों से कई गुना अधिक होगी। वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु डायनासोर से भी अधिक विशालकाय होंगे। वहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधे पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तुलना में काफी ज्यादा लंबे होंगे। वहाँ पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम होगा कि चीजों की लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने बहुत से फिल्मों में देखा होगा जहाँ पर बड़े विशाल आकार के मकड़ी होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं। वैसा होना हमारे पृथ्वी पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर होना संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा कम होगा तो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं की लंबाई उतनी जरूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जन्म आज से 3 बिलियन साल पहले हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर जीवों का जन्म 1 बिलियन साल पहले हुआ है। अगर हमारे ब्रह्मांड में कोई ग्रह ऐसा होगा जहाँ पर जीवों की उत्पत्ति कई बिलियन साल पहले हो चुकी होगी, तो वहाँ पर पाए जाने वाले एलियन का दिमाग हम इंसानों से काफी ज्यादा विकसित होगा। वहाँ पर पाए जाने वाले एलियन का दिमाग उतना ही अधिक डेवलप हो चुका होगा जितना हम इंसानों का दिमाग आज से करोड़ों साल बाद विकसित हो पाएगा। यानी कि उस ग्रह पर रहने वाले एलियन हम इंसानों से कई हजार साल आगे की जिंदगी जी रहे होंगे। मानकर चलिए कि वहाँ पर जो एलियन रहते हैं उनका शरीर लगभग हम इंसानों की तरह ही है, तो ऐसे में उनका दिमाग इतना अधिक डेवलप हो चुका होगा कि उनकी खोपड़ी का आकार हम इंसानों से बहुत ज्यादा अलग होगा। इस वक्त हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं जिनका इस्तेमाल हम ना के बराबर करते हैं, जैसे कि हमारे खोपड़ी पर मौजूद बाल, हमारे पैरों की उंगलियां और हमारे कान का बाहरी हिस्सा। एलियन में इस तरह के अंग पूरी तरह से गायब हो चुके होंगे। उनके शरीर का आकार छोटा होगा और उनके दिमाग का आकार हम इंसानों से कई गुना ज्यादा होगा। उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। उनके हाथों की वो उंगलियों की लंबाई बहुत अधिक होगी जिन उंगलियों का इस्तेमाल वो सबसे अधिक करते होंगे। हालांकि हाथों की उंगलियां गायब नहीं हुई होंगी क्योंकि आने वाले वक्त में हम इंसान हर एक चीज के लिए कंप्यूटर पर बटन दबाने के लिए उंगलियों का ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह से पृथ्वी पर हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक उसी तरह एलियन जिस ग्रह पर रहते होंगे वहाँ पर उनके जीने के लिए जरूरत की चीजें हमसे अलग हों। हो सकता है उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर किसी और ही गैस की जरूरत पड़ती हो। ऐसा भी संभव है कि वो अपने आप को इतना अधिक डेवलप कर लिए होंगे कि अब उन्हें सांस लेने के लिए किसी प्राकृतिक गैस की जरूरत नहीं पड़ती होगी बल्कि वो अपने आप को रिचार्ज करते होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप को चलाने के लिए उसके बैटरी को चार्ज करते हैं। यही वजह है कि हमारी फिल्मों में इसी तरह के एलियन को दिखाया जाता है जो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, इसलिए उनकी खोपड़ी को हमसे थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाया जाता है। वो जिस हवाई जहाज से हमारे पृथ्वी पर आते हैं वो हमारे हवाई जहाज से कई गुना अधिक डेवलप्ड होते हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड वास्तव में इतना बड़ा है जिसके लिए हमारी पृथ्वी समंदर के किनारे पाए जाने वाले रेत के किसी कण से भी छोटा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे न जाने कितने ग्रह होंगे जहां पर किसी न किसी सभ्यता का विकास हो रहा होगा? खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहती है।